अगर अब आपने पुराने कंप्यूटर या एलसीडी मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टीवी ट्यूनर कार्ड खरीदना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ये डेल जो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास करीब 2-3 साल से पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा इसको क्यों ना टीवी में कन्वर्ट कर दूं। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, नई टीवी खरीदने का पैसा बचाना चाहते हैं और अपने पुराने एलसीडी मॉनिटर को या टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टीवी ट्यूनर कार्ड खरीदना पड़ेगा। उसके लिए आपको करीब 2,000 में मिल जाएगा ये टीवी ट्यूनर कार्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे आईबॉल का खरीदा है, ये करीब मुझे 2,000 में मिल गया है। अगर आप इससे चिप भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। इसमें 2 ईयर वारंटी भी है और कुछ अलग अलग फीचर्स भी है, तो इसलिए मैंने ये खरीद लिया। इसके अंदर आपको ये चीज़ मिलेगा, आईफोन आईबॉल का ये टीवी ट्यूनर, और इसमें इसका प्लग मिलेगा और इसमें इसका स्टैंड होगा, फिर इसमें कुछ अलग केबल्स जो भी कुछ अलग अलग जो भी काम आएंगे ये सब होगा। और ये जो मॉनिटर और ये आपकी ये ट्यूनर कार्ड तक ये आपको ये केबल मिलेगा, केबल्स आपको ये टीवी ट्यूनर कार्ड में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसका स्टैंड लगाना पड़ेगा। इसका स्टैंड आप ऐसे लगा सकते हो, तो स्टैंड लग चुका है। अभी आपको ये जो केबल है आप इसके कलर के हिसाब से लगाते जाइए, वाइट को वाइट में, फिर रेड को रेड में, फिर ये जो केबल है ये आपके सेटअप बॉक्स में लगेंगे। फिर इसका जो प्लग है आपको ये प्लग लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे एक DC 5V होगा, इसमें लगा दीजिए। फिर ये जो केबल जो आपके मॉनिटर से टीवी ट्यूनर कार्ड तक कनेक्ट होगा, ये केबल आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये जो केबल है ये आपके मॉनिटर के ये जो साइड है यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये जो केबल है इसमें लगाने के बाद आपको ये जो 3 कलर के जो वायर्स दिख रहे हैं ये आपको अपने सेटअप बॉक्स में लगाने होंगे। तो ये इसके कलर के हिसाब से लगाते जाइए। तो ये लगने के बाद आपका जो ये मॉनिटर का जो ये प्लग है जिससे आपके मॉनिटर पर जो आएगा करंट, इसको आप इसका प्लग भी लगा दीजिए, जो पावर का प्लग है इसको। इसको लगाने के बाद ये आपने ये प्लग को लगा दिया ऊपर, और फिर ये जो सेट टॉप बॉक्स का प्लग है अब ये सेट टॉप बॉक्स का प्लग भी लगा दीजिए। फिर आपका जो ये टीवी ट्यूनर कार्ड का प्लग है इसको भी लगा दीजिए। ये सब केबल सब फिट करने के बाद आप सब में पावर ऑन कर दीजिए। तो ये रहा आपका टीवी ट्यूनर कार्ड का रिमोट है और ये सेटअप बॉक्स का रिमोट है। अब ये ऑन हो जाएगा। तो इसमें एक
इसमें हालांकि इनबिल्ट स्पीकर्स है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पीकर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका साउंड क्वालिटी जो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने इसके लिए अपना एक्स्ट्रा FND स्पीकर्स इसमें फिट कर दूंगा। आपका जो FND स्पीकर्स है, मैंने इसका पावर प्लग लगा दिया है। अभी जो आपको ये ऑक्स मिलेगा, ऑक्स को आपको ये ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर में और नहीं सॉरी ग्रीन कलर में आप ये लगा दीजिए। तो बस इतना ही है, सब हो गया। मैंने यहाँ पे स्पीकर्स लगा दिया, टीवी ट्यूनर कार्ड को सेट टॉप बॉक्स और मॉनिटर से अटैच कर दिया आप सब। हालांकि यहाँ पे सबसे जो है ख़राब चीज़ जो है, आपको बहुत सारा प्लग बनाना होगा एक्स्ट्रा। आप इसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड भी खरीद सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत सारा प्लग लगा दिया है। फिर जो है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पीकर्स नहीं है, तो आपके ये जो टीवी ट्यूनर कार्ड का जो इनबिल्ट स्पीकर्स है, इससे भी काम हो सकता है।